खड़ोस जिले के बुढ़ार में पिस्टल व रिवॉल्वर लेकर घूम रहे धनपुरी के दो बदमाशों को बुढ़ार पुलिस ने पकड़कर एक बड़ी कार्यवाही करते हुए सीएम के आदेशों के पालन में एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है और खाता खोलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बुढ़ार में गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने मुहिम चालू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गुंडा माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक शहडोल के निर्देशन में बुढ़ार पुलिस को मुखबिर से सूचना के द्वारा पता चला कि कॉलेज चौराहा बुढ़ार में मोहम्मद मोइन निवासी धनपुरी एवं मोहम्मद हारून कुरेशी निवासी धनपुरी के अटल गेट के पास खड़े हुए हैं और अपने पास पिस्टल एवं कट्ठा रखे हुए हैं, जिसे बेचने के लिए किसी का इंतजार कर रहे थे। थाना बुढ़ार पुलिस द्वारा टीम गठित अटल गेट के पास जब घेराबंदी की तलाशी की गई तो एक व्यक्ति के पास अवैध रूप से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस जर्किन की जेब में मिला। वहीं पुलिस ने आरोपी से नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम मोहम्मद मोइन, पिता मोहम्मद मोबिन उर्फ अफसर, उम्र 22 वर्ष, निवासी धनपुरी वार्ड नंबर 3 शहडोल होना बताया। वहीं दूसरे व्यक्ति के पास अवैध रूप से एक देसी कट्टा 315 बोर का कमर में खोदे हुए नाम पता पूछने पर अपना नाम मोहम्मद हारून कुरेशी, पिता मोहम्मद सफी, उम्र 20 वर्ष, निवासी विलायस नंबर 1 धनपुरी का होना बताया। दोनों आरोपियों के पास हथियार रखने से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं होने पर दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, उप निरीक्षक उपेंद्र त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक रामेश्वर पांडे, विमल मिश्रा भगवान और प्रताप सिंह चंद्रभूषण तिवारी मयंक मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गुंडों बदमाशों के खिलाफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे उसमें कल काफ़ी प्रभावी कार्रवाई जिले में की गई। बुढ़ार में एक सूचना पे कॉलेज तिराहे पे दो व्यक्तियों से, एक से रिवॉल्वर और एक से पिस्टल बरामद हुई है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने धनपुरी के बदमाश हैं वो, कि उन्होंने ये कहाँ से प्राप्त किए, जिससे कि आगे और इसमें आगे कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा कल 57 आतंक अपराधियों के विरुद्ध धारा 110 में कार्रवाई की गई और शराब के विरुद्ध जो मुहिम चलाई गई उसमें 48 केस विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के पकड़े गए। क्या न्यूज़ के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।